शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 215 अंकों की गिरावट के साथ 62,410 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 82 अंकों की गिरावट के साथ 18,560 के स्तर पर आ गया है। सेंसेक्स में 30 में से 22 शेयर गिरकर बंद हुए हैं और जबकि केवल 8 शेयरों में बढ़त रही है। वहीं एनएसई के सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो मीडिया, रियलिटी, आईटी और ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही। इसके अलावा मेटल, ऑटो और आईटी इंडेक्स में 1.80% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं एफएमसीजी इंडेक्स में 0.96% की तेजी देखने को मिली। वहीं पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 0.26% चढ़ा है। वहीं सराफा बाजार में आज सोने में गिरावट देखने को मिली है। आज 2400 कैरेट सोना 53,583 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। चांदी की बात करें तो ये 64,718 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।